जय स्वामीनारायण। स्वागत है केवल भारत से ही नहीं पर दुनिया भर से आए हुए आप सभी का। दुनिया भर में घूमकर भी हमारा मन हमेशा जहां लगा रहता है वो है हमारा घर, हमारा प्यारा सा आशियाना। हाँ, किसी का छोटा सा घर है तो किसी का भव्य महल है। कोई झोपड़ी में बसता है तो कोई आलीशान बंगलों में, कोई महलों में रहता है तो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में। हम सब विश्व की अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में, अलग अलग घरों में रहते हैं, पर एक व्यक्ति थे जो किसी देश, किसी जगह या किसी घर में नहीं परंतु विश्व के हृदय में रहे और आज भी रहते हैं, और इसीलिए पूरा विश्व मना रहा है प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव। प्रमुख स्वामी ने निकटता दी जोइन हूं कही सकूं कि ए समयना बंधनों थी बंधायला नोता। I remember being deeply touched by his sincerity, his warmth and humility. The great teacher, what he taught me, remove iron. એમની રૂમમાં જઈએ એટલે તમારો થાક ઉતરી જાય એ ઓરા હતો એમનો। એક આપ્ત પુરુષ, એક પૂર્ણ યોગી। I shall never ever forget that gaze. યદી આપને પ્રમુખ સ્વામીજી મહારાજ કા આજ ભી સ્મરણ કિયા તો શાશ્વત આદિત્ય હૈ ઓર ઉનકી કિરણે આપકે ઉપર નિશ્ચિત રૂપ સે અપના પ્રભાવ। પ્રમુખ સ્વામી, જસ્ટ વન સિમ્પલ લાઈફ એન્ડ હી હેઝ ચેન્જ્ડ ધ હોલ વર્લ્ડ। युगो ना युगो वीती जसे, हजारों वर्ष वीती जसे, पण प्रमुख स्वामी महाराज ने आ संसार भूली सकसे ना। पूर्ण पुरुषाय नमः, पूर्ण पुरुषाय नमः। शताब्दियों में कभी कभी ये पृथ्वी धन्य हो जाती है, ये पृथ्वी धन्य हो जाती है। जिसका जीवन ज्योति बने उस ज्योति का जश्न मनाती है, उस ज्योति का जश्न मनाती है। है प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है, प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है। जिनके जीवन के उत्सव से सृष्टि महोत्सव मनाती है, जिनके जीवन के उत्सव से सृष्टि महोत्सव मनाती है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हाँ, हम ये महोत्सव मना रहे हैं क्योंकि जब हमारा समाज टूटा तब प्रमुख स्वामी महाराज ने उस टूटे बिखरे समाज का पुनः निर्माण कर उसे पूर्ण किया। 26 जनवरी 2001 गुजरात का भुज शहर। माँ, तुम कहाँ हो?
तुम भी लो, आप भी लीजिए काका, आप भी लीजिए। अरे अभी अभी तो भूकंप से भोज बर्बाद हुआ है और आप लोग ऐसा गर्मा गर्म भोजन। प्रमुख स्वामी ने भेजा है सबके लिए, और हाँ आगे भी भोजन की चिंता मत करना, उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। हाँ खाई। अरे प्रमुख स्वामी ने बूंदी और गाठिया के साथ मिर्च भी भेजी। भैया याद है माँ भी हमें बूंदी और गाठिया के साथ ऐसे ही मिर्च दिया करती थी और कहती थी कि मीठे और नमकीन के साथ कुछ तीखा होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सच में प्रमुख स्वामी जी एक माँ की तरह हम सबका ख्याल रखते हैं। अनाज, कपड़े, दवाइयाँ, जूते, चश्मे और साथ में ये नेल कटर, तेल और कंघी भी, क्या क्या नहीं भेजा प्रमुख स्वामी जी ने। हाँ उन्होंने तो जैसे बिना घर के ही हम सबके घर बसा दिए। हाँ बस अब हमारे टूटे हुए मकान फिर से बन जाए। बन जाएंगे बाबू भाई, कई विपत्तियों में प्रमुख स्वामी जी समाज की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, देखना वो हमारे लिए भी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। देखा, हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे घर और गांव बनाकर दे दिए हमें प्रमुख स्वामी जी ने। हाँ एक सच्चे संत हमारे स्वजन बनकर उभरे और हमारी टूटी बिखरी दुनिया को उन्होंने पूर्ण कर दिया। पूर्णपुरुषाय नमः, पूर्णपुरुषाय नमः। विपत्तियों में साथ रहकर दुनिया नई बसा दी है। विपत्तियों में साथ रहकर दुनिया नई बसा दी है। टूटे बिखरे समाज को आशा नई दिशा दी है। टूटे बिखरे समाज को आशा नई दिशा दी है। है प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है। प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है। जिनके जीवन के उत्सव से सृष्टि महोत्सव मनाती है। जिनके जीवन के उत्सव से सृष्टि महोत्सव मनाती है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रमुख स्वामी महाराज ने घर बनाए, घर बसाए और घर घर में जलती ज्वाला को शांत भी किया। बहू हमारे घर में काम ऐसे नहीं होते हैं। मेरे घर में ऐसे ही होते हैं और यही सही है। ये घर पहले मेरा है और यहाँ मेरा तरीका चलेगा। तो आपका घर आप संभालो, मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। बहू रानी कहकर लाए थे, नौकरानी बनाकर रख दिया मुझे। पत्नी देव मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ गई और तुम मेरे लिए उन्हें नहीं छोड़ सकते। कायर। अरे अरे पर सुनो तो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और पिताजी की मिलकत पर मेरा बराबर का अधिकार है, समझे। जिंदगी भर माँ बाप की सारी सेवा मैंने की तो सारी मिलकत मेरी ही होगी। हाँ तो ले लेना, पर यहाँ नहीं अदालत में आकर। दादाजी ये आपका जमाना नहीं है कि एक साइकिल पर पूरी जिंदगी निकल जाए, मुझे मेरी खुद की मोटरसाइकिल चाहिए। अब बात करो ना पापा से। बेटा ला देंगे समय आने पर। आप हमेशा पापा की तरफदारी करते हो, मुझे कोई समझता ही नहीं है इस घर में। कहते हैं परिवार खुशियों का बाग है, पर यहाँ तो हर तरफ आग ही आग है। हे भगवान क्या करूं मैं, क्या इसका कोई उपाय नहीं। फिर इतना माटे आपने घर सभा की बात करिए, घर सभा करवाथी शू फायदो छे,
પણ ભેગા બેહો તો તમને એકબીજાની આત્મીયતા વધે, ભેગા ભોજન કરો તો તમારી આત્મીયતા વધે. મન મળવાનું કારણ શું છે? ભેગા બેસીએ તો જ આપણે એકબીજાના વિચારોની આપ લે કરીએ, એકબીજાને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ, તો ઝઘડા ઓછા થઈ જાય, આપણા કુટુંબની અંદર એકતા વધે. આ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, એના ઉપર ભાર આપવાનો. એટલે આપણે ઘર સભાની વાત કરી કે ઘરમાં બેસીને ભેગા બેસીને કંઈ રામાયણની વાત કરે, મહાભારતની વાત કરે, સત્સંગની વાત કરે, તો એ કુટુંબ સંપન્ન, સુખી સંપન્ન હોય, શાંતિવાળું હોય અને બધું હોય. ઘર સભા કા ઉપહાર દેકર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને હમારે પરિવાર મેં માનો જાદુ કર દિયા. અબ તો પરિવાર મેં બસ ખુશિયા હી ખુશિયા હૈ. સુનિયે, આપ નિશ્ચિંત હોકર કારોબાર સંભાલીએ, પિતાજી કી સેવા મેં કર લુંગી ઓર ઘર કા સારા કામ ભી સંભાલ લુંગી. ઓર બહુ, મેં ભી તો હું તુમ્હારે સાથ. ભૈયા, આપ બંટવારે કી ચિંતા મત કરના, પિતાજી જો ભી તય કરે વો મુજે મંજૂર હૈ. મુજે ભી, ક્યુંકિ રિશ્તો કી કીમત દૌલત સે જ્યાદા હોતી હૈ. દાદાજી, મુજે પાપા પર બોજ નહીં બનના, સાઇકલ તો હૈ હી, મેં ઉસી સે કામ ચલા લુંગા. અરે અરે બેટા, દેખા, ઇસ ઘર સભા ને તો બચ્ચો કે સંસ્કાર હી બદલ દિયે. હા, એક છોટી સી ઘર સભા ને હમારે પરિવાર કી બડી બડી સમસ્યા કો સુલઝા દિયા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સચ કહેતે હૈ, ઘર કે સારે દુખો કી એક હી દવા હૈ, ઘર સભા. ઉનકે ઇસ એક ઉપહાર ને હમારે પરિવાર કો આનંદ સે પૂર્ણ કર દિયા. પૂર્ણ પુરુષાય નમઃ, પૂર્ણ પુરુષાય નમઃ. પરિવારોં કે દર્દ કી જ્વાલા એક દવા સે બુઝા દી હૈ. પરિવારોં કે દર્દ કી જ્વાલા એક દવા સે બુઝા દી હૈ. ઘર ઘર મે ઘર સભા સે ઘર ઘર મે ખુશિયા દી હૈ. ઘર ઘર મે ઘર સભા સે ઘર ઘર મે है. પ્રમુખ સ્વામી વો પૂર્ણ પુરુષ જિનકી યે જન્મ શતાબ્દી હૈ. પ્રમુખ સ્વામી વો પૂર્ણ પુરુષ જિનકી યે જન્મ શતાબ્દી હૈ. જિનકે જીવન કે ઉત્સવ સે સૃષ્ટિ મહોત્સવ મનાતી હૈ. જિનકે જીવન કે ઉત્સવ સે સૃષ્ટિ મહોત્સવ મનાતી હૈ. પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાપૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. इतनी खुशियों के बीच भी कभी हम अकेले हो गए, उदास हो गए या रास्ता भटक गए, तब प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें ढूंढ निकाला और हमें सही रास्ता दिखाया. अरे, सब मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं? मैं तो अकेला हो जाऊंगा. सब ने मुझे छोड़ दिया, क्या करूं? कोई मुझे समझता ही नहीं है. क्योंकि तू खुद ही ना समझ है, इसलिए कोई तुझे नहीं चाहता. बेचारा अकेला. पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. क्योंकि तेरा नसीब ही खराब है. तू असफल था, है और हमेशा रहेगा. लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा. सही लगता है तुझे? तू है ही निकम्मा और किसी को तेरी जरूरत भी नहीं है. तेरा कुछ नहीं हो सकता. सच में मैं निकम्मा ही हूं और कोई नहीं जो मुझे समझ सके. कहां जाऊं, क्या करूं, कोई रास्ता दिखाओ मुझे. हम है ना, आजा हमारे पास और भुला दे सारे गम.
कीमत हो? हमने लाखों लोगों के दुख धुएं में उड़ा दिए हैं, तेरे दुख भी उड़ा देंगे। आजा, मुझे पीले और मस्ती से जीले। मन का सब बोझ उतर गया, अब कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, मजा आ गया, अद्भुत। अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो फंसता ही जा रहा हूँ, बर्बाद हो रहा हूँ। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, दूर रहो मुझसे। अरे हमने कहा तुमको पकड़ रखा है? पकड़ा तो तुमने हमें है बेटा। हाँ? बेटा ये नशा तुम्हारे शरीर को खत्म कर रहा है, अपने आप को देखो, जवानी में भी तुम मुझसे ज्यादा कमजोर दिख रहे हो। और हमारे घर के हालात भी ठीक नहीं है पापा, आपके नशे के चक्कर में हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ पापा, और यदि आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? प्लीज पापा छोड़ दो ये नशा, एटलीस्ट हमारे लिए, प्लीज। पल दो पल की खुशियों के लिए क्यों पूरे परिवार के साथ खेल रहे हो? निकल जाओ नशे की इस झूठी दुनिया से। नहीं निकल पा रहा, क्या करूं, लाचार हूं मैं। यदि आप चाहो तो जरूर निकल सकते हो। अभी भी देर नहीं हुई है। पर कैसे, इन व्यसनों से तो मेरे जैसे लाखों बर्बाद हो गए हैं। लाखों बर्बाद हुए हैं तो लाखों बच भी गए हैं। जो बर्बाद हुए हैं उनकी ओर नहीं, जो बच गए हैं उनकी ओर देखो। पर आप लोग कौन हैं? हम प्रमुख स्वामी महाराज की आवाज है। उनकी प्रेरणा से 40 लाख से अधिक लोग दुर्व्यसनों से मुक्त हुए और आप भी हो जाओगे। लेकिन मुझे तो चारों ओर अंधेरा ही नजर आ रहा है। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक दीपक उसे दूर करने के लिए पर्याप्त है। अपनी शक्ति से नहीं, भगवान को याद करके उनकी शक्ति से प्रयत्न करो, जरूर निकल पाओगे। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज भी यही कहते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा कहते थे कि भगवान की शक्ति से सब कुछ हो सकता है। लाखों लोगों के अधूरे जीवन को उन्होंने भगवत श्रद्धा से पूर्ण किया है। छोटे छोटे बच्चों में भी श्रद्धा और भक्ति के संस्कार देकर वर्तमान के साथ उन्होंने हमारे भविष्य को भी सुरक्षित कर लिया है। भविष्य, आज सबको चिंता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। पर चिंता मत करना, प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें जो संस्कार दिए हैं उससे हम उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। हाँ, भविष्य में ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, किंतु पर्यावरण की कीमत पर नहीं। हमारे अल्ट्रा मॉडर्न शहरों को भी हम वृक्ष से सजाएंगे। भविष्य में हम आकाश में उड़ेंगे, स्मार्ट घरों में रहेंगे, किंतु ये आधुनिकता हमारे परिवार की एकता को तोड़ नहीं पाएगी। स्मार्ट घरों में भी हम घर सभा तो अवश्य करेंगे। भविष्य में टेक्नोलॉजी का बहुत विकास होगा, लेकिन हम मानव को मशीन नहीं बनने देंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने दिए हुए संस्कारों से हम मानवता को हमेशा जीवंत रखेंगे। हम नशा नफरत से दूर रहेंगे और ऋषि में प्रेम और करुणा बढ़ाएंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे दिलों में श्रद्धा और भक्ति के जो दीप जलाए हैं उन्हें हम कभी नहीं बुझने देंगे। हाँ, वो श्रद्धा ही तो है जो हमारे अधूरे जीवन को पूर्ण करती है। भगवान में श्रद्धा, सच्चे संत में श्रद्धा, जीवन में श्रद्धा। इस श्रद्धा के साथ हम ऐसे भविष्य का निर्माण करेंगे जिससे हमारे देश का गौरव बढ़ेगा, समग्र मानवता का गौरव बढ़ेगा
और पूरा विश्व सुख शांति और समृद्धि से पूर्ण बनकर रहेगा। पूर्ण पुरुषाय नमः, पूर्ण पुरुषाय नमः। उज्जवल कल की आस जगाकर श्रद्धा ज्योत जगा दी है। उज्जवल कल की आस जगाकर श्रद्धा ज्योत जगा दी है। जन जन के हृदयों में रहकर भक्ति से पूर्णता दी है। जन जन के हृदयों में रहकर भक्ति से पूर्णता दी है। प्रमुख स्वामी है, प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है। जिनके जीवन के उत्सव से सृष्टि महोत्सव मनाती है। जिनके जीवन के उत्सव से सृष्टि महोत्सव मनाती है। जल सृष्टि की लहरों के संग जल जल मनाए महोत्सव। भूतल पर हरियाली के संग भूचर मनाए महोत्सव। नभ में तारों सितारों संग नभचर मनाए महोत्सव। हम सब मनाए महोत्सव, विश्व मनाए महोत्सव, सृष्टि मनाए। स्वामी महाराज एक पूर्ण पुरुष जो समग्र विश्व के हृदय में सदा सर्वदा रहेंगे।